नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचोत्रा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ग्रेटर फरीदाबाद में बन रहे अमृता अस्पताल का उद्घाटन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है, लेकिन इस उद्घाटन समारोह पर पहुंचते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेलीकॉप्टर की बजाय सड़क मार्ग से आना चाहिए ताकि उन्हें भी फरीदाबाद शहर के वास्तविक विकास का पता चल सके। साथ ही उन्होंने अधिकारियों व भाजपाओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर प्रधानमंत्री का रूट हेलीकॉप्टर से बनाया गया है ताकि उनकी नाकामियां उजागर न हो सके। आपको बता दें कि सुमित गौड़ ने कहा कि भाजपाइयों की स्वयं स्मार्ट सिटी की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। हालात ये हैं कि सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं। हरियाणा सरकार और प्रशासनिक अधिकारी अपनी फजीहत होने से बचाने के लिए केवल उन सड़कों को बनवा रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री का काफिला आएगा और जाएगा, जबकि शहर की सड़कों की हालात किसी से छुपी नहीं है। अगर दिल्ली से फरीदाबाद सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री आए तो उन्हें शहर की वास्तविक विकास का पता चल सके। देखिए, आज पत्रकार वार्ता इसलिए की गई है कि मैंने सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी से का फरीदाबाद आगमन पर हार्दिक स्वागत है क्योंकि वो एक देश के प्रधानमंत्री है। दूसरा, अम्बा जी का दिल की गहराई से बारम्बार धन्यवाद कि उन्होंने फरीदाबाद को चुना इस इतने कई सौ एकड़ों में बने हुए हॉस्पिटल के लिए। इससे निश्चित रूप में फरीदाबाद में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और एक फरीदाबाद में उद्योग के अवसर भी लोगों को मिलेंगे, नौकरियों के अवसर मिलेंगे। सबसे अहम बात, प्रधानमंत्री जी से आग्रह आपके माध्यम से कि वो बाई एयर ना आए, बाई रोड आए फरीदाबाद में, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो स्मार्ट सिटी का जो वाकई में जो खस्ता हाल है, जो बुरा हाल है, वो खुद आके देखें कि इस शहर का बीजेपी सरकार ने, इस प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। सड़कें नहीं हैं, पानी गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, बिजली पानी बुरा हाल, क्राइम का बुरा हाल, और तो और आप ये भी देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े करप्शन फरीदाबाद में हुए हैं। तो इसीलिए, क्योंकि वो देश के पीएम है, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर वो देश के क्योंकि बीजेपी के पीएम अब वो नहीं रहे, अब वो देश के पीएम है, तो जब वो शहर का बुरा हाल देखेंगे बाहर उड़ा के, निश्चित रूप से बीजेपी के नेताओं को लताड़ेंगे, धमकाएंगे और इस शहर को कुछ हाल ठीक होगा। मात्र दो या तीन रोड बना के छोड़ दिया शहर। नसीहत दी है पीएम को कि दूरबीन साथ लेकर आए, क्या कारण है उस नसीहत का? देखिए, मैं पीएम को नसीहत देने वाला कोई नहीं होता। मैंने पीएम से रिक्वेस्ट करी है कि वो दूरबीन साथ लेके आए, क्योंकि और हेलीकॉप्टर अगर, क्योंकि ये जो बीजेपी सरकार है हरियाणा की, ये उनको बाई एयर हिलाने का जोर दे रही है क्योंकि राज खुल जाएंगे, तो दूरबीन लेके आए माननीय पीएम जी, और जब नीचे लैंड करने वाले होंगे फरीदाबाद में तो दूरबीन से फरीदाबाद का हाल देंगे। उन्हें अपने आप फरीदाबाद एक फकीराबाद के रूप में दिखाई देगा, खस्ता हाल में दिखाई देगा। नर्क सिटी बना के रख दिया बीजेपी सरकार ने फरीदाबाद का, कोई भी सुविधा नहीं है स्मार्ट सिटी के नाम पे, केवल घोटाले हैं। केवल विकास हुआ है तो बीजेपी के नेताओं का हुआ है, केवल विकास हुआ है तो बीजेपी के नेताओं के परिवारों का हुआ है। सोनाली खबाटी का आकस्मिक निधन हो गया है, कैसे संवेदनाएं प्रकट करेंगे? सबसे पहले तो मैं, देखिए, सोनाली फोगाट जी बीजेपी की नेत्री रही हैं और एक टिकटॉक स्टार भी रही हैं। मैं सबसे पहले तो अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से और अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके निधन पे अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। और वाकई में ये एक बहुत बड़ी दुखद खबर है कि मात्र इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से डेथ हो जाना, क्योंकि उन्होंने चुनाव भी लड़ाए, उनके भी काफ़ी बड़े सपने थे, कुछ करना चाहती थी। तो मैं इस मौके पर परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करना चाहूँगा। वहीं सुमित गौड़ ने कहा कि बड़े हर्ष की बात है कि इतना बड़ा अस्पताल फरीदाबाद में शुरू होने वाला है, जिसके लिए वह माता अमृतानंदमयी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के 8 सालों में शहर का विकास करने के बजाय जनता के खून पसीने की कमाई को भ्रष्टाचार के नाम पर हड़पने का काम किया है। नगर निगम के घोटाले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे अनेकों घोटाले हैं जिसके माध्यम से शहर के विकास पर लगने वाले पैसे को अधिकारियों व भाजपाओं ने डकारने का काम किया है। वही आपको बता दें कि सुमित गौड़ द्वारा की गई प्रेस वार्ता में उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जब हवाई मार्ग से अगर फरीदाबाद आए तो दूरबीन अपने साथ ले आए ताकि वह हवाई मार्ग से भी उन टूटी सड़कों को देख सके जहां पर सड़कें नहीं बल्कि गड्ढे हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।